Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new vlog in Goa. So right now I am in Kalingud. Kalingud mein holiday street mein hu main and I'm gonna show you a beautiful property. Property ke bare mein sab kuch explain karunga and rooms wagera dikhaunga jo yahan pe AC and non AC rooms hai. I'm gonna explain each and everything to you and as well as the property and where exactly this property is situated. And जिससे आप कभी गोवा में आ रहे हैं, if you are traveling to Goa, you can directly call over here and book your book the rooms accordingly. And सबसे अच्छी बात यह है guys इस property की, ये property beach से बस walking distance पे, walking distance बोलो तो 50 meters पे ही beach है. तो ये सबसे खास बात है इस property की. तो देर ना करते हुए let's go ahead and check out this beautiful property जहाँ पे भी मैं walk कर रहा हूँ, here in Holiday Street. Alright, and guys अगर आप channel पे new है then hit the subscribe button. सो जिससे आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स एंड अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलते रहे यहाँ गोवा से रिलेटेड. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड. सो गाइस देखिए, ये है हॉलीडे स्ट्रीट पूरी. सामने से आप यहाँ से आते हैं और इस तरफ से आप जाते हैं सीधा बीच की तरफ. बीच यहाँ से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 50 meters भी नहीं होगा. और हमारे सामने ये है प्रॉपर्टी कॉल्ड द वाइट हाउस हॉलीडे रूम्स. सो हम इसके अंदर चलेंगे और पूरी प्रॉपर्टी पहले एक बार ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं आपको रूम्स वगैरह दिखाऊंगा. सो एंटर करते ही देखिए कितना गार्डन वगैरह बहुत प्यारा है यहाँ का. इट्स वेरी वेल डेकोरेटेड एंड बहुत अच्छा घर जैसा फील आएगा आपको. सो ऐसा कुछ है बाहर का एरिया. यहाँ पे ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये सारे रूम्स हैं यहाँ पे जो आप जहाँ पे आप स्टे करेंगे. सो ये छोटा सा गार्डन है यहाँ पे जहाँ पे आप वॉक वगैरह कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दिस ब्लॉक ओवर हियर विच हैज़, एंड दिस प्रॉपर्टी हैज़ ऑल अराउंड 22 रूम्स एंड 4 रूम्स आर नॉन एसी एंड 18 रूम्स आर एसी रूम्स. बालकनी वगैरह भी है बहुत बढ़िया सी. देखिए एक दो तीन तीनों जो फ्लोर्स हैं और दोनों फ्लोर्स और ग्राउंड फ्लोर में भी बालकनी है एंड देन इस तरफ भी बालकनी वगैरह है. तो सारे फ्लोर्स में आपको बालकनी मिल जाएगी. सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे रूम जो है वो देखेंगे, चेकआउट करते हैं चल के एंड देन आपको क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या नहीं अवेलेबल है, वो सारी फैसिलिटीज़ आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू. तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं जो हमारे राइट में ग्राउंड फ्लोर पे रूम है वहाँ पे. देखिए एंट्रेंस देखिए कितनी प्यारी है ना. छोटा सा पाथ है, छोटा सा वॉकवे है एंड देन यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वगैरह हैं, गार्डन वगैरह है. और दिस इज़ द रूम वेयर वी गोना go inside and this is the balcony of this room. So let's go ahead. So enter करते ही देखिए आपको कुछ ऐसा room देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको दो single bed मिल जाएंगे attached. यहाँ पे 2 chairs and 1 center table मिलेगी जहाँ पे menu रखा हुआ है, एक TV है. यहाँ पे ये cupboard मिलेगी, सामने एक बड़ा सा mirror है, डेस्क एंड कबर्ड, छोटे छोटे आपको कबर्ड्स हैं. ये सामने यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे एक बड़ी सी कबर्ड है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं. सबसे पहले हम चालू करते हैं फ़ैन, थोड़ी सी गर्मी लग रही है. यस, फ़ैन चालू हो गया और एसी भी है इस रूम में. गाइस काफ़ी बड़ा रूम है, फैमिली के लिए बहुत 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 सफिशेंट है. और यहाँ पर देखिए कि कर्टन्स हैं जहाँ से आप डायरेक्टली बालकनी एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी हम बालकनी में भी चलेंगे, थोड़ा पहले रूम चेकआउट कर लेते हैं. तो दो सिंगल बेड आएंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है. और साइड में आपको साइड टेबल वगैरह मिलेंगी, इधर प्लग पॉइंट वगैरह भी है दोनों तरफ, इधर भी एक प्लग पॉइंट है. यहाँ पे अपना रिमोट वगैरह या कुछ मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं. तो कुछ ऐसा रूम दिखता है मेरे हिसाब से फैमिली के लिए, और जिस रेट में ये रूम है बहुत ही परफेक्ट है और एक फैमिली के लिए बहुत ही सफिशेंट है. ये देखिए बड़ी सी कबर्ड आपको देखने को मिलेगी जैसे हमारे घरों में होती है. यहाँ पे कुछ बहुत सारे हैंगर्स हैं, नीचे कुछ सामान रखा हुआ है. यहाँ पे एक लॉकर वगैरह भी है जैसे इसको आप लॉक कर सकते हैं, कुछ अपना सामान पर्सनल सामान रख सकते हैं. तो इसको हम कर देते हैं बंद, ये है कबर्ड. अब देखते हैं वॉशरूम कैसा है यहाँ पे. तो दिस इज़ द वॉशरूम, कुछ नोटिस लगा हुआ है तो वो फॉलो करिएगा व्हेनेवर यू आर हियर. ओह माय गॉड, वॉशरूम तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. यस, पोर्चुगीज स्टाइल का समथिंग कुछ लग रहा है यहाँ पे. देखिए आपको बाथ टब मिलेगा गाइस, शावर हेड के साथ में बाथ टब भी मिलेगा, तो विच इज़ वेरी नाइस एंड कूल. मैंने तो अभी तक नहीं देखा इस रेट में. सामने एक मिरर है, देन WC है यहाँ पे एंड देन आपको वॉश बेसिन वगैरह मिल जाएगा.
ओवरऑल बहुत ही परफेक्ट वॉशरूम है और काफ़ी बड़ा भी है अदर गेस्ट हाउस अदर हॉलीडे होम्स की तुलना में। तो इसको करते हैं बंद। अब हम बात करते हैं यहाँ के फूड और मेन्यू और क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करने से पहले एक बारी बालकनी भी चेक कर लेते हैं, तो जहाँ पे आप ये बहुत सारे इसमें तो ओके प्रॉपरली लॉक था, तो ये प्यारी सी बालकनी है जहाँ पे आपको दो चेयर मिल जाएंगी और एक टेबल मिल जाएगी। तो दिन में कभी चाय वाय पीने का मन करे या कुछ बियर वगैरह पीने का मन करे आप आराम से बैठ के यहाँ पे अपना इंजॉय कर सकते हैं पार्टनर के साथ में फैमिली के साथ में। कूल है कॉम्पैक्ट मस्त अच्छी सी प्यारी सी बालकनी भी है। तो अभी हम कर देते हैं इसको लॉक, बालकनी का टूर हो गया, दो दो लॉक लगे थे। यस सो विल क्लोज दिस कर्टन देन विल टॉक अबाउट मेन्यू एंड द फैसिलिटीज़। तो गाइज अभी मैं गया हूँ बैट और बात करते हैं मेन्यू के बारे में। मेन्यू में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी मिलती है, नॉर्मल वाटर मिल जाएगा, वाटर बॉटल नहीं मिलेगी, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर ये प्रोवाइड करते हैं। एंड एज वेल एज जो फूड है वो आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा, उसका मेन्यू ये है। मैं रेट्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ, बाजू से ही है, यू विल ऑर्डर दे विल डिलीवर इट ओवर हियर एट योर डोर स्टेप। एंड एज वेल एज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा फैमिली वगैरह है, गर्म पानी वगैरह पीना है तो ऑन रिक्वेस्ट ये प्रोवाइड करते हैं कैटल, अदरवाइज़ कोई सर्विस अदर नहीं मिलती। और इन हाउस आपको हाउस कीपिंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, केवल आपका रूम वगैरह क्लीन कर देंगे, जो अपना बेड वगैरह है बेड वगैरह बना देंगे। सो हाउस कीपिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी, वाटर मिल जाएगा पीने के लिए नॉर्मल वाटर ना कि बॉटल वाटर, एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाटर केटल गर्म करने के लिए, पानी वगैरह बच्चे को दूध वगैरह गर्म करके पिलाना है देन आपको केटल ऑन रिक्वेस्ट मिल जाएगी। अब चलते हैं देखते हैं यहाँ का मेन्यू, जो प्राइसेस वगैरह हैं मेन्यू में, जो आप यहाँ से बाजू में एक रेस्टोरेंट है उसका ही मेन्यू है ये, तो वहीं से आप फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये देखिए गाइस फ्रेस्को 18-19 करके कुछ नाम है, इसकी टाइमिंग है 8 AM से 10 PM तक। और यहाँ पे ये कुछ प्राइसेस वगैरह हैं, ग्रोबी मंचूरियन 180 एंड इंडियन फूड और चाइनीज़ फूड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस पेज का हिस्सा था और ये दूसरी तरफ चाय वगैरह पॉट टी दो कप चाय आपको 60 रुपीज़ में मिलेगी, और अल्कोहल वगैरह जूसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अल्कोहल में बियर वगैरह भी आपको मिल जाएगी, किंग फिशर स्ट्रॉन्ग 650, टीबॉक किंग्स बियर आपको 60 रुपीज़ में मिलेगी, टीबॉक आपको 70 रुपीज़ में मिलेगी, विच इज़ क्वाइट नाइस। आपको बाहर तो और एक्सपेंसिव मिलेगी, अदर शैक्स वगैरह में आप जाके पीते हैं अगर होटल्स वगैरह में। सो ये था यहाँ का मेन्यू। और सबसे खास बात मैं दिखाना भूल ही गया गाइस, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा फ्रिज है, मिनी फ्रिज नहीं, जैसा घरों में एक नॉर्मल सा फ्रिज होता है वैसा फ्रिज है। तो अपने फ्रूट्स वगैरह अगर आप बाहर से लेके आते हैं, वाटर बॉटल वगैरह जो आप अपना अल्कोहल वगैरह लेके आते हैं यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा ये रूम था जिसका मैंने आपको कराया टूर। अब हम चलते हैं दूसरा रूम देखते हैं चल के। सो ये रूम कर दिया हमने लॉक गाइस, अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे ऐसा ही एक दूसरा रूम भी अवेलेबल है। तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे एंड चेकआउट करते हैं अनदर रूम। सो दिस इज अनदर रूम विच वी हैव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। देखिए आपको जैसे ही रूम में इंटर करेंगे आपको प्यारा सा फील आएगा, किसी पोर्चुगीज हाउस में आप गोवा के हैं और वहाँ पे आपका स्टे है। वॉशरूम वगैरह सारा कुछ ओपन है, बालकनी है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस फ्रिज से। सेम फ्रिज आपको मिलेगा जैसा फ्रिज आपका नीचे है, बड़ा सा फ्रिज यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे अपना सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। एंड देन दो सिंगल बेड, बड़ा सा बेड है, बच्चे के साथ में आराम से सो सकते हैं। प्यारी सी कबर्ड आएगी यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा दूर जाके दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ लेआउट है रूम का, इस तरफ का हिस्सा वहाँ पे आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगी। कबर्ड खोल के देखते हैं हम, वैसी उस कबर्ड से हाइट छोटी है लगभग, लेकिन साइज में उतनी है ये कबर्ड। हैंगर्स वगैरह हैं एंड देन स्टोरेज के लिए आपको नीचे मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपकी आएगी एक छोटी सी टेबल, देन ड्रेसिंग टेबल, मिरर वगैरह है, साइड टेबल है, एक और छोटी सी टेबल है, प्लग पॉइंट वगैरह हैं। ऑलराइट अब यहाँ पे ये ओपन करते हैं कर्टन, देखते हैं इस साइड क्या है। इस साइड आपको मिलेगी बालकनी जैसे नीचे है। ऑलराइट तो बाहर चल के एक बार देख ही लेते हैं।
बालकनी में भी डोर ओपन करते हैं और चलते हैं बालकनी में। तो देखिए सामने बीच है उस तरफ का, दो छोटी छोटी बालकनी है यहाँ पे, एक ये है और एक ये बालकनी है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और ये है आपका रूम। तो बीच जैसा कि मैंने बताया वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और ये है फर्स्ट फ्लोर यहाँ का रूम का। तो अभी हम अंदर और भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इसको कर देते हैं लॉक। सो गाइस देखिए यहाँ पे एक आपको फ्लावर पॉट भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा लुक दे रहा है, ऐसा लग रहा है सेम गोवा की एग्जैक्ट फीलिंग आ रही है। सामने एक पुराना टाइप का कुछ टीवी मिल जाएगा, पहले वाला वीडियो कॉन पहले जैसा टीवी, बहुत अच्छा लग रहा है देख के ये भी। एंड देन आपको नीचे एक टेबल जिस पे टीवी रखा है वहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। राइट, सो यहाँ पे एक दूसरी बालकनी है सेम जैसी मैंने आपको उधर से दिखाई, और यहाँ पे आपको दो चेयर्स मिल जाएंगी सोफ़ा टाइप की, और सेम वॉशरूम इसका नीचे जैसा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, सामने मिरर है। देन आपको वॉश बेसिन, WC, सावर, सामान रखने के लिए, टॉयलेटरीज रखने के लिए बकेट मिलेगी, डस्टबिन मिलेगा। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं आपको वॉशरूम में मिल जाएंगी। तो इसको कर देते हैं बंद, हम लाइट भी बंद करते हैं और इस तरफ देखते हैं इस तरफ क्या है। तो ये ऊपर वाला जो आपका ये इस साइड का रूम है उसके इस साइड का देखिए कितना बड़ा आपको स्पेस मिल रहा है। अगर आप ग्रुप वगैरह में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी सी ह्यूज बालकनी है, ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है ना, और सामने बीच। तो ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, यहाँ पे भी एक मिरर आपको मिल जाएगा। देखिए एक लैंप लगी हुई, एक फ़ैन है, और यहाँ पे AC और एक और फ़ैन है गाइस यहाँ पे। तो फर्स्ट फ्लोर से हम डायरेक्ट उधर के अभी चलेंगे इस वाले ब्लॉक में जहाँ पे हमें मिलेगा एक नॉन AC रूम, हम चेकआउट करेंगे। और गाइस वीडियो में बने रहिएगा, आई एम गोना टेल यू द प्राइसेस एट द एंड। यहाँ पे आप जैसे इंटर करेंगे राइट साइड में आपको जो रूम मिलेगा वो है नॉन AC रूम। तो यहाँ पे इंटर करते हैं और चेकआउट करते हैं। तो ये भी क्वाइट कलरफुल एंड वाइट है। यहाँ पे भी दो सिंगल बेड आपको मिलेंगे, चाहे तो अलग भी कर सकते हैं एंड चाहे तो साथ में ही रख सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम है, छोटा सा नहीं है बोले तो अच्छा रूम है। और यहाँ पे भी एक बालकनी आपको मिलेगी, मिरर है, सेंटर टेबल है, वॉशरूम है इस तरफ, फैन है, फ्रिज भी आपको मिल जाएगा ये देखिए। तो ये कुछ फ्रिज है जहाँ पे अपना अल्कोहल और वाटर बॉटल्स और दो चीज़ें आप रख सकते हैं। साइड टेबल है यहाँ पे, और बेड भी काफ़ी कम्फी सा लग रहा है, ये देखिए काफ़ी कम्फी बेड है। मैं बैठना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी डेकोरेटेड है तो बिगाड़ना नहीं चाहता मैं, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। और ये है इसकी बड़ी सी बालकनी, तो ये देखिए गाइस वेरी परफेक्ट, दिस इज़ द बालकनी, टू टेबल्स, वन टेबल, टू चेयर्स, एंड काफ़ी लंबी चौड़ी बालकनी है। एंड यहाँ से आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा, एक बाजू वाला रूम है उसकी भी बालकनी इधर से ही देखने को मिल जाएगी। ब्यूटीफुल है गाइस, रूम्स आर सो ब्यूटीफुल। फैन एंड आप चलेंगे वॉशरूम देखते हैं। तो वॉशरूम में एंटर करते ही आपको बकेट, WC, शावर हेड, वॉश बेसिन, और ये वॉशरूम बहुत बड़ा है गाइस, छोटा मोटा वॉशरूम नहीं है कुछ, बहुत बड़ा है। मुझे तो काफ़ी लंबा चौड़ा वॉशरूम लग रहा है देख के, तो वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। और आपको कबर्ड भी मिलेगी इस रूम में जो कि इस तरफ है, डोर क्लोज करते ही आपको ये कबर्ड अंदर ही इंस्टॉल्ड मिल जाएगी, जहाँ पर आपको हैंगर्स वगैरह लॉक करने के लिए आपको की वगैरह भी रहेगी जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बड़े बड़े बैग्स भी आपके इजीली सेटल्ड हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा कुछ है गाइस ये रूम जो कि नॉन AC रूम है गाइस। और यहाँ पे भी आप अगर बालकनी में नहीं जाना चाहते, ये डोर नहीं ओपन करना चाहते हैं, देन आप ये कर्टन्स ओपन करके आराम से बाहर का व्यू ले सकते हैं।
और यहाँ पे भी विंडो वगैरह हैं जिनको आप स्लाइड करके ओपन ओपन कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडोज हैं। तो इसको करते हैं बंद और चलते हैं बाहर। सो फाइन गाइज, अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और एक और रूम चेकआउट करेंगे यहाँ पे इस ब्लॉक का, जो कि है एसी रूम। तो देखिए सेम आपको मिल जाएगा यहाँ पे दो सिंगल बेड्स, टीवी, मिरर, सेंटर टेबल, इस तरफ वॉशरूम है, वॉशरूम में शीशा लगा हुआ है, वाह मिरर है, वॉशरूम भी बड़ा सा है, सेम नीचे जैसा आपने वॉशरूम देखा वैसा ही वॉशरूम है। जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। शावर है, बकेट ये है, ये क्लोज करेंगे, और एसी है यहाँ पे, देखिए एसी, और बालकनी देखें, बड़ी सी बालकनी बड़े से डोर के साथ में, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना। तो अभी हम एंटर करते हैं बालकनी में। यहाँ पे आपको दो टेबल मिलेंगे, एक टेबल दो चेयर्स मिलेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ये यहाँ से कुछ आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, ये बगल वाले रिजॉर्ट का पूल है, तो ऐसा कुछ ये प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल जाएगी। और एक सो बाहर चलते हैं, अभी देखते हैं एक और रूम फिर ख़त्म करेंगे ये वीडियो। सो गाइज, अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे, जो इस बिल्डिंग का, इस ब्लॉक का लास्ट फ्लोर है, यहाँ पे जो एक रूम है वो चेकआउट कर लेते हैं। देखिए तो कितना प्यारा लग रहा है ना, जो सब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वैसा ही आया हुआ है। तो इंटर करते हैं हम इस वाले रूम में, ये भी गाइज एसी रूम है, और हर रूम का डिफरेंट डेकोरेशन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेड है। देखिए यहाँ पे एक सिंगल बेड बड़ा सा मिलेगा आपको, डबल बेड मतलब बड़ा सा मिलेगा, अलग अलग बेड नहीं मिलेंगे आपको, किंग साइज बेड लग रहा है मुझे। कर्टन्स हैं, फैन है, एसी है इस तरफ, अगेन एक बालकनी है, मिरर है, फ्रिज इज देयर, एंड एक टीवी भी है। अभी हम कर्टन ओपन करते हैं, बालकनी चेकआउट करेंगे। ये देखिए बड़ी सी बालकनी है, सेकेंड फ्लोर पे है तो काफ़ी अच्छा व्यू भी आएगा। एंड ये वॉशरूम सेम पहले जैसा, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि मैंने बताया सारे रूम्स अलग अलग टाइप के हैं, सब एक जैसे नहीं हैं, सारे रूम की कैटेगरी एसी एंड नॉन एसी है, बट रूम के डिज़ाइन एंड डेकोर एंड डेकोरेशन अलग अलग हैं। तो अब देखते हैं यहाँ की बालकनी, चलते हैं यहाँ पे। देखिए काफ़ी ऊपर आ गए हैं, यहाँ से हल्का हल्का उस तरफ सी भी देखने को मिल रहा है, और एयर वगैरह भी बहुत अच्छी है, और देखिए इस तरफ से पूल व्यू आपको देखने को मिलेगा, सामने वो मेरा रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, और रोड भी मेन रोड आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एक ये ब्लॉक है, एक वो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के मैंने दोनों रूम आपके दिखाए, इस ब्लॉक के तीनों रूम आपके मैंने दिखा दिए हैं, और ये कुछ बालकनी ऐसी यहाँ की दिखती है। है ना प्यारा गाइस? या ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, गर्मी भी बहुत है गाइस, पूरा भीग गया मैं पसीने में। सो गाइस, ये थे रूम्स एंड एसी रूम्स एंड नॉन एसी रूम्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमाउंट एंड द चार्जेस। सो एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अभी प्राइसेस डायनेमिक रहते हैं गाइस, डोंट थिंक लाइक दिस विल बी द प्राइस विच आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट थिंक लाइक दैट विल बी द प्राइस होल सीजन और वेन एवर यू आर कमिंग देन। सो अभी जो है 1800 टू 2000 रुपीज़ है फॉर एसी रूम्स, एंड 1500 आपको पड़ जाएगा नॉन एसी रूम का। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, एंड दैट इज़ फॉर डबल ऑक्यूपेंसी, दैट मीन्स अगर आप दो लोग आ रहे हैं उसके लिए, नॉट फॉर 3-4 पीपल। ओके, एक्स्ट्रा बेड वगैरह भी मिलता है आपको, जो सर्विसेज वगैरह थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी आपको, बाकी सारी सिक्योरिटी वगैरह भी है, कैमराज वगैरह एवरीथिंग दे हैव ओवर हियर, द प्रॉपर्टी इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, गार्डन वगैरह आप तो देख ही रहे होंगे, इस वीडियो में भी आपने पूरे देखा कितनी डेकोरेटेड प्रॉपर्टी है, जो फ्लावर्स वगैरह हैं, बहुत बहुत घर का फील कराती है आपको, ऐसा लगता है कि आप किसी बैंगलोर वगैरह में रह रहे हैं। ऑल राइट, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एंड ये प्रॉपर्टी का लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर वगैरह सारा डाल दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ये कमेंट मत करिएगा कि रेट वगैरह क्या है, ये क्या है, वो क्या है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, सो यू जस्ट नीड टू कॉल डायरेक्टली ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ऑल राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।